हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से दोस्तों आज का टॉपिक है परीक्षण एवं मापन यानी टेस्ट एंड मेजरमेंट्स से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, सभी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेस्ट एंड मेजरमेंट से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चैप्टर ही आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट मेजरमेंट्स एंड स्पोर्ट ट्रेनिंग, ये दोनों चैप्टर आप छोड़िएगा मत। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड 100 से ज़्यादा वीडियोज प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए जा चुके हैं, एंड डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस हो रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि फिजिकल फिटनेस को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। यह फिजिकल फिटनेस को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। अब कौन कौन से दो प्रकार में? तो इसको हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से दोस्तों हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन आता है। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटीज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल फिटनेस इंडेक्स किस विद्वान ने विकसित किया? तो इसको विकसित किया फ्रेडरिक रॉन्ग रोगर्स ने। नेक्स्ट है, शरीर की ऊंचाई मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, शरीर की ऊंचाई मापने के यंत्र को स्टेडियोमीटर बोला जाता है। यहाँ पे ऊंचाई के स्थान पर यदि लंबाई भी बोलेगा तो यही होगा, ठीक है। ऊंचाई या लंबाई मापने के यंत्र को स्टेडियोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ज्वाइंट के पास दो हड्डियों के बीच के कोण को किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है दोस्तों गोनियोमीटर से। किसे मापा जाता है? गोनियोमीटर से, ठीक है दोस्तों, गोनियोमीटर से। और क्या किया जाता है? यह मांसपेशी की कार्य क्षमता व लचीलापन को मापता है। इस पे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मांसपेशी की कार्य क्षमता और लचीलापन कौन मापता है? गोनियोमीटर। और जोड़ के पास दो अंगों के बीच के कोण को कौन मापता है? गोनियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैरों और कमर की ताकत किस यंत्र से मापते हैं? तो ताकत मापने का, शक्ति मापने का काम करता है पैर और हाथ कमर की, यह काम करता है डायनेमोमीटर, ठीक है। पैर हाथ और कमर की स्ट्रेंथ यानी ताकत को किससे मापा जाता है? डायनेमोमीटर से। नेक्स्ट है दोस्तों, हाथों की पकड़ मापने की यंत्र को क्या कहते हैं? हाथों की पकड़ यानी कि ग्रिप स्ट्रेंथ, यानी राइट एंड लेफ्ट दोनों हाथों की पकड़ यानी ताकत को मापता है कौन? मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर। नेक्स्ट है, फेफड़ों की क्षमता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्पायरोमीटर। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन किस यंत्र से मापी जाती है? तो हृदय की धड़कन स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। रक्त दबाव यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसको स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की कार्य क्षमता किस यंत्र से मापा जाता है? तो दोस्तों, मांसपेशियों की कार्य क्षमता यानी क्रियात्मक क्षमता, जो एक्शन पोटेंशियल होता है, उसको इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मापा जाता है। नेक्स्ट है, शरीर के विभिन्न भागों की लंबाई किस यंत्र से नापी जाती है? तो विभिन्न भागों की लंबाई, लंबाई सिर्फ पूछेगा तो स्टेडियोमीटर हो जाएगा, लेकिन विभिन्न भागों की लंबाई
किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये एंथ्रोपोमेट्रिकल रोड से मापी जाती है। नेक्स्ट है, शरीर में वसा की मात्रा मापने का यंत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों शरीर में वसा की मात्रा को मापता है कि हमारे शरीर में कितना मोटापा है या कितना हम फिट है, इसको मापने का काम करता है स्किन फोल्ड कैलिपर। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्लैट फूट मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो फ्लैट फूट जो होता है वह पेडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, फ्लैट फूट किससे मापा जाता है? पेडोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोलियोसिस नामक विकृति के स्तर को नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों स्कोलियोसिस नामक जो डिफॉर्मिटीज होता है, विकृति होता है, इसको स्कोलियोमीटर एंड स्पाइनोग्राफ से मापा जाता है। नेक्स्ट है, आंखों की दूरदृष्टता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। तो इसका नाम है स्कैनर चार्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, हवा की दिशा नापने का यंत्र किससे कहते हैं? तो इसको कहते हैं विंड वेंड गेज। किसको कहते हैं? विंड वेंड वांड गेज। अगर यही हवा की दाब होता तो विंड वांड हो जाता। नेक्स्ट है, थ्रोइंग इवेंट के भाले की दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र का नाम बताइए। तो यह यंत्र है मैजिक आई। नेक्स्ट है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि अधिकतम ताकत किससे नापा जाता है? तो इसको नापा जाता है वर्टिकल जंप से, जिसे सार्जेंट जंप भी बोला जाता है और हिंदी में लंबवत कूद भी बोला जाता है। इन सब नामों को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एजिलिटी किससे मापी जाती है? तो एजिलिटी दोस्तों सटल रन से मापी जाती है। नेक्स्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी किस परीक्षण से मापी जाती है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, तो इसको मापा जाता है सीट एंड रीच टेस्ट से। सीट एंड रीच टेस्ट है दोस्तों हमारे जो है बैक मसल्स एंड हेमस्ट्रिंग मसल्स को मेजर किया जाता है, लचीलापन को। ठीक है, नेक्स्ट है, बाइसिकल इर्गोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बाइसिकल इर्गोमीटर से कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को किया जाता है। नेक्स्ट है, टीची मीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों टीची मीटर से फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम से जाना जाता है? इसको एलगन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम मस्क्यूलर फिटनेस टेस्ट कौन सा है तथा किसने बनाया? तो यह टेस्ट जो है मिनिमम मस्क्यूलर फिटनेस टेस्ट को क्रॉस वेबर मस्क्यूलर फिटनेस टेस्ट बोला जाता है और इसको बनाया हंस क्रॉस तथा रूफ हरिशलेन ने 1954 में। मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट को जानने के लिए इसके अंतर्गत 6 टेस्ट आइटम्स आते हैं। नेक्स्ट है, टोटल पल्स रेटियो टेस्ट से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों टोटल पल्स रेटियो टेस्ट से कार्डियो रिस्पायरेटरी इंड्योरेंस मापा जाता है। क्या मापा जाता है? कार्डियो रिस्पायरेटरी इंड्योरेंस को मापा जाता है। जैसा कि दोस्तों टोटल पल्स रेटियो टेस्ट को 1930 में यूएसए की लोआ यूनिवर्सिटी में WW टोटल एंड RC विल्किंस ने बनाया। इसका पर्पज बनाने का कार्डियो वैस्कुलर एंड्योरेंस को मापना था। और दोस्तों इसमें जो बेंच का उपयोग किया जाता है वो 13 इंच ऊंचा होता है। ठीक है, एंड इसमें प्रोसीजर क्या होता है कि जब हम रेस्ट की स्थिति में होते हैं, आराम की स्थिति में होते हैं, तो उस समय में 1 मिनट की हमारी हार्ट रेट यानी हृदय गति को मेजर कर लिया जाता है। उसके बाद फिर वह 1 मिनट तक बेंच की मदद से सीट अप और सीट डाउन अभ्यास करता है, जैसे कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट करते हैं। उसके बाद
1 मिनट के अभ्यास के तुरंत बाद क्षतिपूर्ति यानी कि रिकवरी काल में 2 मिनट की हृदय गति मापा जाता है। इस प्रकार इसका सूत्र हो जाता है 2 मिनट पल्स एट रिकवरी अपॉन 1 मिनट पल्स एट रेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया? तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को ल्यूसीन ब्रोहा ने बनाया 1943 में, और इसको हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में बनाया गया, और यही के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स पर सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। इसका पर्पज है कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस मेजर करने के लिए। दोस्तों इसमें बेंच का जो प्रयोग होता है वह पुरुष के लिए 20 इंच यानी कि 50 सेंटीमीटर और महिला के लिए 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले वार्म अप किया जाता है, उसके बाद 5 मिनट तक 1 मिनट में 30 सीट अप और 30 सीट डाउन किया जाता है। ठीक है, अप डाउन 5 मिनट तक किया जाता है 30 30 1 मिनट में। उसके बाद कर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए यानी रिकवरी के लिए कुर्सी पर बैठा दिया जाता है 1 मिनट के लिए। उसके बाद 1 मिनट रिकवरी के बाद 30 सेकेंड तक उसका पल्स काउंट किया जाता है, फिर 30 सेकेंड रेस्ट दिया जाता है, फिर 1:30 पर उसको फिर से पल्स काउंट किया जाता है, फिर 30 सेकेंड रेस्ट दिया जाता है, फिर 3:30 पर उसको पल्स काउंट किया जाता है। इस प्रकार इसका सूत्र हो जाता है फिजिकल इफिशियंसी इंडेक्स का कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड गुणे 100 अपॉन सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरेशन ड्यूरिंग रिकवरी गुणे 2। नेक्स्ट है दोस्तों कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में PEI क्या है? तो यह मेजर करने का सूत्र है PEI यानी कि फिजिकल इफिशियंसी इंडेक्स बराबर होता है ड्यूरेशन एक्सरसाइज इन सेकेंड गुणे 100 अपॉन 2 गुणे सम ऑफ पल्स काउंट इन रिकवरी। ठीक है, जितना समय तक आप एक्सरसाइज किए हैं उसके गुणे 100 हो जाएगा सेकेंड में, एंड जितना रिकवरी समय में आप पल्स काउंट किए हैं उसके गुणे 2 हो जाएगा, उसके बाद निकालेंगे तो आपका PEI निकल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 12 मिनट रन वॉक टेस्ट किसने बनाया? तो 12 मिनट रन वॉक टेस्ट को दोस्तों बनाया है किनिथ एच कूपर ने। किसने बनाया है 12 मिनट रन वॉक टेस्ट को? किनिथ एच कूपर ने सर्कुलेटरी रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मापने के लिए 1970 में बनाया। एंड दोस्तों कूपर ने ही 12 मिनट 1982 में 12 मिनट स्विमिंग साइकिलिंग एंड जॉगिंग को परीक्षण किया 1982 में सब मैक्सिमल एरोबिक क्षमता मापने के लिए, एंड 12 मिनट रन वॉक 1970 में बनाया इन्होंने ही। नेक्स्ट है 12 मिनट रन वॉक रन या वॉक टेस्ट से क्या मापा जाता है? तो इसको मापा जाता है दोस्तों सर्कुलेटरी रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस को। नेक्स्ट है ऑफर्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑफर्ड का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। बट दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 5 दिसंबर 2013 को ऑफर्ड का नाम बदलकर सेफ अमेरिका कर दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। जैसे कि ऑफर्ड टेस्ट में को किसने बनाया दोस्तों? ऑफर्ड टेस्ट को 1958 में बनाया गया प्यूल हंसिंकर के द्वारा, जिसमें कितने 7 टेस्ट आइटम्स थे। इन सभी टेस्ट आइटम्स के बारे में मैं ऑफर यूज फिटनेस टेस्ट के वीडियोज में सब बताई हूँ दोस्तों कि कब कब उसमें बदलाव हुआ। सभी चीजों को डाउट क्लियर करने के लिए उस वीडियोज को जरूर देख लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट किसने बनाया? तो इसको फ्यूल हंसिकर एंड गाइजी रिफ ने
1958 में बनाया। नेक्स्ट है हार्वर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट के जो 600 यार्ड रन वॉक होता है उससे क्या मापा जाता है, तो उससे सर्कुलेटरी रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापा जाता है, यानी कि हृदय और फेफड़ों की क्षमता को मापा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट नी सीटअप से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों सीटअप से सीधा हमारा जोर हमारे पेट पे पड़ता है, यानी कि इससे एब्डोमिनल या एंड हिप्स मस्कुलर एंड्योरेंस को मापा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैंडिंग लॉन्ग जंप से क्या मापा जाता है, तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से दोस्तों हमारा एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग एक्सटेंसर मसल्स को मापा जाता है, यानी हमारे पैरों की विस्फोटक क्षमता को मापा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों जेसीआर टेस्ट में जेसीआर से क्या तात्पर्य है, ठीक है जेसीआर टेस्ट में जेसीआर से क्या तात्पर्य है, तो दोस्तों जेसीआर टेस्ट में जेसीआर से तात्पर्य है जे से जंप, सी से चिन अप्स एंड आर से रन, यानी कि जे से वर्टिकल जंप, सी से चिन अप्स एंड आर से 100 यार्ड शटल रन हो जाएगा। जेसीआर टेस्ट को 1947 में ब्रेंट ई फिलिप्स द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट के नाम बताइए, तो इसके अंतर्गत लोअर ब्रेंच टेस्ट एंड मेथनी जोहानसन टेस्ट, ये दोनों आता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बैडमिंटन के स्किल टेस्ट के नाम बताइए, तो बैडमिंटन के स्किल टेस्ट के क्या क्या नाम है आपको इसमें से करेक्ट करना है। ऑप्शन है फ्रेंच स्टिल्टर बैडमिंटन टेस्ट, लुकआउट एनसी फिर्सन बैडमिंटन टेस्ट एंड मिलर वाल वाली टेस्ट, तो ये सभी बैडमिंटन स्किल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जिसमें से फ्रेंच स्टिल्टर बैडमिंटन टेस्ट 1949 में कॉलेज महिलाओं के लिए स्थिर फ्रेंच था एल्गर्न स्टिल्टर द्वारा बनाया गया, इसके अंतर्गत सर्व टेस्ट और क्लियर टेस्ट आता है। एंड लुकआउट एमसी फेरसन बैडमिंटन टेस्ट को 1949 में एलियंस रोकार्ट फ्रेंसिस के द्वारा कॉलेज वुमेन के लिए बनाया गया। एंड मिलर वाल वाली टेस्ट को 1951 में फ्रेंच एम मिलर ने पुरुष महिला दोनों के लिए बनाया। इसको याद करने का ट्रिक है फिल्म 49-51, जिसको मैं बैडमिंटन टेस्ट के वीडियो में डिटेल में बताई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन खेल के वाली टेस्ट का नाम बताइए, तो इसके वाली टेस्ट का नाम है मिलर वाल वाली टेस्ट। इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कई बार इसको वाली शब्द से आप समझ लेते हैं कि वॉलीबॉल का है, बट ये बैडमिंटन का है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों फ्रेंच स्टिल्टर बैडमिंटन टेस्ट के दो टेस्ट बैटरीज के नाम बताइए, तो फ्रेंच स्टिल्टर बैडमिंटन टेस्ट के अंतर्गत द सर्व टेस्ट एंड क्लियर टेस्ट दो टेस्ट आइटम्स आते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है फ्रेंच स्टिल्टर बैडमिंटन टेस्ट को किसने और कब बनाया, तो इसको 1949 में स्थिर फ्रेंच एंड एलियन स्टिल्टर ने बनाया। नेक्स्ट है लुकआउट एमसी फेरसन बैडमिंटन टेस्ट किसने और कब बनाया, तो लुकआउट एमसी फेरसन को एलियन लुकआउट एंड फ्रेंच एमसी फेरसन ने 1949 को बनाया। नेक्स्ट है मिलर वाल वॉली टेस्ट को किसने और कब बनाया, इसको ये भी बैडमिंटन टेस्ट है दोस्तों, इसको बनाया फ्रेंच ए मिलर ने 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लड़कों के लिए बनाए गए बास्केटबॉल टेस्ट के नाम बताइए, तो लड़कों के लिए बनाए गए बास्केटबॉल टेस्ट के नाम कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे है जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट, नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट ए एंड हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट, तो ये तीनों आपके लड़कों के लिए बनाए गए बास्केटबॉल टेस्ट हैं। जैसे कि दोस्तों बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत चार टेस्ट आते हैं, जिसका मैं ट्रिक बनाई हूँ जेकेएसएच,
यानी कि जे से जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट, के से नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट, एस से स्ट्रोब बास्केटबॉल टेस्ट, एच से हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट। इसको ट्रिक के साथ मैं डिटेल में सभी का वर्णन की हूँ ये बास्केटबॉल टेस्ट वाले वीडियोज में। तो टेस्ट मेजरमेंट्स के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी टेस्ट, स्किल टेस्ट को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट में कौन से तीन टेस्ट बैटरीज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत जोहानसन फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी एंड ड्रिबल, इन तीन टेस्ट आइटमों का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी सही है। जैसा कि जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट को 1934 में एल विलियम जोहानसन ने एक शोध के दौरान बनाया था, और इसको 180 छात्रों पर उन्होंने प्रयोग किया था, और 130 छात्र उन्होंने पुअर छात्र लिए थे जो कभी भी बाहर खेलने नहीं गए थे, और 50 गुड यानी प्रशिक्षित खिलाड़ी लिए थे, और इन पर इन्होंने प्रयोग किया था इस टेस्ट को। और यह दोस्तों जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट 1934 में बनाया गया, जो सबसे पुराना स्किल टेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है, जोहानसन बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? तो इसको बनाया एल विलियम जोहानसन ने 1934 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट में कौन सी टेस्ट बैटरीज का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट में ऑप्शन है स्पीड ड्रिबल टेस्ट, बॉल बाउंस टेस्ट एंड पेनिकॉप टेस्ट एंड ड्रिबल शूट टेस्ट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी टेस्ट आइटमों का प्रयोग नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट में किया जाता है। तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट में कितने टेस्ट आइटमों का प्रयोग किया जाता है, टेस्ट बैटरीज का प्रयोग किया जाता है? तो चार। कौन कौन सी? स्पीड ड्रिबल, वॉल बाउंस, ड्रिबल टेस्ट, पेनिकॉप टेस्ट। नेक्स्ट है, नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया? तो इसको 1947 में रॉबर्ट डी नॉज ने बनाया। नेक्स्ट है, ड्रिबल एंड शूट टेस्ट बैटरीज का प्रयोग बास्केटबॉल के किस टेस्ट में किया जाता है? तो यह किया जाता है नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट में। जैसा कि इसमें चार टेस्ट आइटम्स का प्रयोग किया जाता है नॉक्ड बास्केटबॉल में, स्पीड ड्रिबल, वॉल बाउंस, ड्रिबल शॉट एंड पेनिकॉप टेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, पेनिकॉप टेस्ट का प्रयोग बास्केटबॉल के किस टेस्ट में किया जाता है? तो वह बास्केटबॉल के नॉक्ड बास्केटबॉल टेस्ट में पेनिकॉप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस खेल विशेषज्ञ ने हॉकी का स्किल टेस्ट बनाया? तो दोस्तों, इसने बनाया है इन्होंने हॉकी का स्किल टेस्ट हरबंस सिंह ने, ठीक है, हरबंस सिंह ने, जिसके इन्हीं के नाम पर ये बनाए हैं हरबंस सिंह हॉकी टेस्ट, ठीक है, जो 1956 में बनाया गया था गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, एंड कॉलेज गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए, जिसमें ड्रिबल शूटिंग टेस्ट एंड ड्रिबल हिटिंग टेस्ट दो आइटम्स आते हैं। नेक्स्ट है, हरबंस सिंह हॉकी टेस्ट में कौन सी टेस्ट बैटरीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्रिबल एंड शूटिंग टेस्ट, ड्रिबल एंड हिटिंग टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट है, एचुमेन टेस्ट इन फील्ड हॉकी फॉर कॉलेज वुमेन किसने बनाया? तो इसको बनाया मार्गेट स्मिथेल्स एंड इस्थर फ्रेंच ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉकर के किन्हीं तीन प्रचलित स्किल टेस्ट के नाम बताइए। तो सॉकर टेस्ट के अंतर्गत दोस्तों यहां पे ऑप्शन है एमसी डोनाल्ड्स बॉलिंग सॉकर टेस्ट, जोहानसन सॉकर टेस्ट, क्रेव सॉकर टेस्ट। उपरोक्त सभी यहाँ पे सही होगा। जैसे कि दोस्तों सॉकर टेस्ट, सॉकर फुटबॉल
फुटबॉल को बोला जाता है, तो यहाँ साकर ने बोल करके फुटबॉल टेस्ट बोलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे साकर टेस्ट को याद करने का मैंने ट्रिक बनाया है, MJC 51 63 68, यानी कि एम से हो गया MC डोनाल्ड साकर टेस्ट, जिसको 1951 में बनाया गया लियोर्ड EMC डोनाल्ड द्वारा, ठीक है। और इसको विश्वविद्यालय के खिलाड़ी के लिए सर्वप्रथम बनाया गया, और MC डोनाल्ड के अंतर्गत किकिंग बॉलिंग एबिलिटी मापा जाता है। एंड जोहानसन साकर टेस्ट MJ, जैसे जोहानसन साकर टेस्ट, जिसके अंतर्गत 1963 में जोसेफ आर जोहानसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए बनाया, इसमें किकिंग एंड बॉलिंग एबिलिटी मापा जाता है। ऐसी से हो गया क्रेव सॉकर टेस्ट, जो 1968 में वर्नान क्रेव द्वारा बनाया गया, जिसके अंतर्गत बॉल कंट्रोल एवं बॉल ड्रिबलिंग दो टेस्ट आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MC डोनाल्ड सॉकर टेस्ट किसने और कब बनाया। तो दोस्तों MC डोनाल्ड सॉकर टेस्ट को 1951 में लियोर GMC डोनाल्ड ने बनाया। नेक्स्ट, जोहानसन सॉकर टेस्ट को किसने और कब बनाया, जिसका मैट्रिक बनाई हुई MJC 51 63 68, यानी कि मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट को 1951 में बनाया गया, जोहानसन सॉकर टेस्ट को 63 में बनाया गया, एंड क्रेव सॉकर टेस्ट को 1968 में बनाया गया। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, और इसके वीडियो को देखने के लिए आप टेस्ट एंड मेजरमेंट्स के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जोहानसन सॉकर टेस्ट को किसने और कब बनाया, तो इसको बनाया जोसेफ आर जोहानसन ने 1963 में, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रेव सॉकर टेस्ट को किसने और कब बनाया, तो क्रेव सॉकर टेस्ट को 1968 में वर्नान एंड क्रेव द्वारा बनाया गया, जिसके अंतर्गत बॉल कंट्रोल एंड बॉल ड्रिबलिंग दो टेस्ट आइटम्स आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, टेनिस का डायर टेनिस बैक बोर्ड टेस्ट किसने और कब बनाया। तो दोस्तों टेनिस का डायर टेनिस बैकबोर्ड टेस्ट को बनाया गया 1935 में जोन्ना टी डायर के द्वारा। जैसा कि दोस्तों टेनिस टेस्ट के अंतर्गत चार स्किल टेस्ट आते हैं, इसका ट्रिक है DBHA, डी से डायर टेनिस बैकबोर्ड टेस्ट, बी से ब्रोअर मिलर टेनिस टेस्ट, एफ से हिविट्स टेनिस टेस्ट, ए से एवरी रिचर्डसन सर्व टेस्ट। इसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाई हूँ, उस वीडियो को देख करके पूरा डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्रोअर मिलर टेनिस टेस्ट किसने और कब बनाया। तो ब्रोअर मिलर टेनिस टेस्ट को 1950 में मैरियन आर ब्रोअर एंड डोना मी मिलर ने 1950 में बनाया। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के रसल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया। तो दोस्तों वॉलीबॉल के रसल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट को 1940 में बनाया गया नाओमी रसल एंड एलिजाबेथ लंज के द्वारा। जैसा कि दोस्तों वॉलीबॉल टेस्ट के अंतर्गत दो टेस्ट स्किल टेस्ट आते हैं, जिसको मैंने ट्रिक से बनाया है RB 40 45 महिला पुरुष। इसका मतलब है आर से रसल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट जो 1940 में नाओमी रसल तथा एलिजाबेथ लेंज के द्वारा महिलाओं के लिए बनाया गया। इसमें दो टेस्ट आइटम सर्व टेस्ट एंड बॉलिंग टेस्ट आता है। एंड RB से हो गया ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट जो 1945 में पुरुषों के लिए बनाया गया। तो ये दो दो टेस्ट आइटम आते हैं वॉलीबॉल टेस्ट के अंतर्गत, दो स्किल टेस्ट रसल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट एंड ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट। नेक्स्ट है, ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया। तो इसको 1945 में जॉर्ज एफ ब्रेडी ने बनाया पुरुषों के लिए, ठीक है। इसमें बॉलिंग क्षमता को मेजर किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों बचे हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी।
एंड दोस्तों यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।